जंगल ब्यूटी क्वीन का खिताब जाता है मिस नैना को। क्या बात, स्माइल मैडम, एक फोटो मेरे साथ भी हो जाए। व्हाई नॉट। गुड। चलो अब बस बहुत हो गया, अब घर चलते हैं। अरे भाई यार, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी थोड़ा घूमेंगे और शेर बेर की फोटो खींचेंगे, उसके बाद चलते हैं। वो शेर है बटेर नहीं जिसकी तुम फोटो खींचोगे। अरे तो हम कौन सा शेर से कम है भाई, हम भी तो बब्बर शेर हैं। ओ तो तुम बब्बर शेर हो। मैं तो आज तक तुम्हें इंसान ही समझती हूँ। चलो चले यहाँ से। शायद भगवान को भी तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। चलो फटाफट निकलते हैं अभी यहाँ से। बारिश कहाँ से आ रही है। चलो निकले यहाँ से। मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है और बारिश में भीगना तो उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। कोई जरूरत नहीं है। पिछली बार इतनी बारिश में भीगने की वजह से 3 दिन तक बुखार से तड़प रही थी, याद है ना? हाँ बाबा याद है। अभी बस यही खड़े रहो और जब ये बारिश होगी उसके बाद ही यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है? तुम ना बस चुप रहो। ये लाल रंग का पानी कहाँ से आ रहा है? पानी नहीं है ना, पर है क्या ये? और इतना सारा लाल रंग कहाँ से आ रहा है? ये रंग नहीं है ना, ये खून है। खून? हाँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है करण। हमारे कपड़े भी सब खून से भीग गए हैं। किसका खून है ये? मुझे लगता है कि हमें सीआईडी को फौरन फोन करना चाहिए। आप लोगों ने फोन किया? यस सर, मैं करण हूँ और ये नैना। सर बारिश से बचने के लिए हम उस पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए और अचानक से उस पेड़ से खून गिरने लगा और हमारे कपड़ों की ये हालत हो गई। ये इतना सारा खून इस पेड़ पे से गिरा? हाँ सर। पेड़ के पास आए तभी किसी को यहाँ से भागते हुए देखा, कोई था आसपास में? नहीं सर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी? नहीं, हमने किसी के चीखने की आवाज नहीं सुनी। ये जंगल तो पूरा वीरान है, हम बहुत डर गए थे इसलिए हमने आपको फोन किया। अखिल सर, कुछ मिला उस पर? नहीं सर, खून के कुछ धब्बे हैं, बाकी ऐसा लग रहा है बारिश में धुल गया सर। अच्छा, समझ नहीं आ रहा, कहीं से तो आया होगा। सर ये भी तो हो सकता है कि खून किसी जंगली जानवर या पंछी का हो। पंकज, खून के सैंपल उठाओ और फॉरेंसिक लैब भेज दो, पता तो चले कि खून है किसका। ठीक। जंगल को अच्छी तरह से चेक करते हैं, जरूर यहाँ पे कुछ हुआ है। सर अगर बारिश नहीं हुई होती तो पता ही नहीं चलता कि पेड़ पे खून था। अब ये पता चलना चाहिए कि वो खून इंसान का है या फिर किसी जानवर का। पेड़ पर से जो खून के सैंपल आप लोग लेकर के आए हैं वो खून किसी जंगली जानवर का नहीं है, एक इंसान का। क्या, इंसान का खून? हाँ, लड़की का। ये खून एक लड़की का है। लड़की का खून? लेकिन लड़की का खून पेड़ पे कैसे है? भाई ये तो अब आप लोग ढूंढिए, मुझे जो पता चला मैंने आप लोगों को बता दिया। सर मतलब ये लड़की कहीं ऊपर से गिरी है पेड़ पर और पेड़ पर इसका खून लग गया। लेकिन अगर कोई लड़की ऊपर से गिरी है फिर वो जख्मी हालत में गायब कहाँ हो गई? क्योंकि अब तक जंगल के किसी भी हिस्से में ना तो हमें किसी का खून मिला है और ना ही कोई लाश। सर आप रेडी? उस
जंगल के इलाके का नक्शा मिल गया सर। नक्शा मिल गया? हाँ सर। चलो दिखाओ। फिर ये जंगल की दाई ओर हाई स्काई पैराग्लाइडिंग स्कूल। जंगल की दाई ओर 2 किलोमीटर पर पैराग्लाइडिंग स्कूल। पैराग्लाइडिंग स्कूल तो हो सकता है कोई पैराग्लाइडिंग करते वक्त ऊपर से नीचे जमीन पर गिर गया। इस पैराग्लाइडिंग स्कूल में जाकर पता लगाना पड़ेगा क्या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था क्या। हेलो सर, मैं इस पैराग्लाइडिंग स्कूल का चीफ इंस्ट्रक्टर हूं सर, रोहन। कहिए सर, आपकी क्या मदद कर सकता हूं? सर रोहन, हम लोग CID से आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। CID? आइए सर, क्या बात है सर? दरअसल पास के एक जंगल में एक पेड़ पर हमें एक लड़की का खून मिला। क्या बात कर रहे हैं सर, पेड़ पर खून? जी हाँ, और हमें शक है कि कोई लड़की ऊपर से पेड़ पे गिरी थी। तो क्योंकि आपका यह स्कूल जंगल के बिल्कुल पास है तो हमने सोचा आप ही से पूछ लें, क्या पिछले कुछ दिनों में किसी का एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट? हाँ। आपके हाथ पे चोट लगी हुई है, काफी खून जम गया है। हाँ सर, वो मैं एक्चुअली आपको बताने वाला था। मैं वो तो बताइए। हाँ सर, वो एक्चुअली कुछ दिनों पहले यहाँ एक ऐसा एक्सीडेंट तो हुआ था। किसका? एक लड़की थी, पैराग्लाइडिंग करने आई थी। मैं खुद उसके साथ पैराग्लाइडिंग कर रहा था सर। हाँ तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा सर, लेकिन जैसे ही हम जंगलों के ऊपर से गुजरने लगे तो अचानक से उस लड़की ने अपनी सेफ्टी जैकेट का बकल खोल दिया सर, और नीचे कूद गई। नीचे कूद गई? हाँ सर, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है सर कि वो आत्महत्या करने के लिए ही पैराग्लाइडिंग कर रही थी। आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? आप की सर, बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है सर। ये लड़की कौन थी, उसके डिटेल्स तो होंगे आपके पास? हाँ सर, अभी अभी लिखा। सुमित, देखना कहाँ है। ये इसका नाम नैना है सर, और ये इसकी फोटो आईडी है। ये लड़की क्यों, क्या हुआ सर? कुछ नहीं सर, ये तो वही लड़की है ना जिसने हमें जंगल से फोन किया था। हाँ, लेकिन मिस्टर रोहन, ये लड़की तो जिंदा है। सर अब ये जिंदा है या मर गई ये तो पता नहीं, पर उस दिन ये ऊपर से गिर गई थी और तब से गायब है। ना जिंदा है या नहीं ये तो जंगल से ही पता चलेगा। तो यहाँ आस पास कहीं दिख नहीं रहा है। जंगल को देख के लगता भी नहीं कि यहाँ पे कुछ हुआ है। अरे निखिल, मैं जाने कहाँ कहाँ जाके फंसते रहते हो। चलो जाने भी हो सकते हैं।
कपड़े से तो ये लाश किसी लड़की की लगती है। शेजर चेक करो। लाश तो बहुत बुरी तरह से चलने लगी, चेहरा भी बिगड़ गया है। दो तीन दिन पुरानी लाश है, ऐसे तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। देखो जरा कोई आइडेंटिटी है क्या बोली। नहीं है। कौन हो सकती है? सर कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं? मैं ना तो जिंदा, शायद ये वही होगी जो पेड़ से गिरी। अंगूठी सर लेडीज अंगूठी लगती है। एक काम करो, लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो, शायद पता चल जाए ये लड़की कौन है और ये अंगूठी किसकी है। आप लोगों का अंदाजा एकदम सही था, पेड़ पर जो खून मिला था वो इसी लड़की का था। क्या? तो आसमान से जो लड़की गिरी थी वो ये थी? और इसकी मौत लगभग 4-5 दिन पहले हुई है। और एक बात, इसके इन कपड़ों से हमें दो लोगों का खून मिला है। क्या? दो लोगों का खून? हाँ, एक खून तो इसी का है, लेकिन दूसरा खून किसका है वो पता नहीं। एक और खास बात, इस लड़की के स्किन के टिश्यूज में हमें खास किस्म का केमिकल मिला है। केमिकल? कैसा केमिकल? टायरिन, और ये टायरिन नाम का केमिकल ड्रग्स या दवाइयां बनाने के काम में आता है, और ये आसानी से नहीं मिलता। दवाई बनाने वाली कंपनियों को भी ये केमिकल लेने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। तो इस लड़की का किसी न किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कोई कनेक्शन तो जरूर है। सर फिर तो ये लड़की अक्सर दवाइयों की फैक्ट्री में जाती होगी या फिर वहां काम करती होगी। तो अब क्या करें सर? शहर की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पूछताछ करते हैं, पता लगाना होगा कि कहीं की कोई एम्प्लॉई पिछले कुछ दिनों से गायब है क्या। मगर रोहन तो कह रहा था कि नैना पैराग्लाइडिंग करते समय ऊपर से कूद गई, लेकिन यहाँ तो हमें किसी और की लाश मिली। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये है कि हमें रोहन से जाकर पूछना होगा कि उसने हमसे झूठ क्यों कहा। वो जो टेक ऑफ के समय की हमारा थोड़ा सा बैलेंस में प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब हो जाए। अरे सर आप लोग फिर यहाँ? तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। नैना के बारे में कुछ पता चला सर? इतने भोले मत बनो, पहले ये बताओ तुमने हमसे झूठ क्यों कहा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने जो भी कुछ कहा था वो झूठ था, जबकि मैंने आपसे जो भी कुछ कहा है सब सच है सर। आप फिर झूठ बोल रहे हैं, और पहले भी आपने हमसे झूठ कहा था कि नैना आप पैराग्लाइडिंग करते हुए ऊपर से कूद गई थी। ये यकीनन सच है सर, वो नैना ही थी, यही सच है। अच्छा, अगर ये सच है तो मेहरबानी करके ये भी बता दो कि जिस जगह पर तुमने कहा था कि नैना ने छलांग लगाई थी उस जगह पर नैना की बजाय किसी और लड़की की लाश क्यों मिली हमें? क्या? किसी और लड़की की लाश? कौन लड़की? अब तक इसका पता नहीं चला है, लेकिन ये पक्का है कि वो नैना नहीं थी। अब आप बताइए कि सच्चाई क्या है। सर मैंने आप लोगों से जो भी कुछ कहा है वो सब सच है सर, और अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है सर तो यहाँ ये सुमित, सर ये सुमित है सर, ये भी यहीं पे काम करता है और इसे सब कुछ पता है सर। जब उस दिन नैना नहीं मिली तो मैंने इसको सब कुछ बताया था सर, और उसके बाद पुलिस स्टेशन हम लोग साथ साथ गए थे कंप्लेंट करने सर। आप इससे पूछ सकते। तुम यहीं रुको, बताओ। रोहन सच कह रहा है सर, उसने मुझे नैना के बारे में कभी बताया था सर। बताने से क्या होता है? तुमने नैना को देखा था? टेक ऑफ पॉइंट से मैंने अपने आंखों से नैना और रोहन को टेक ऑफ करते हुए देखा था सर। पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि वो नैना ही थी? हाँ
बिल्कुल सर। अगर नैना सचमुच पैराग्लाइडिंग करते समय गिरी है तो फिर हमें उसकी जगह पे किसी और लड़की की लाश कैसे मिली? और फिर ये नैना है कहाँ पे? उस दूसरी लड़की की पहचान होना जरूरी है। और नैना, नैना कहाँ रहती है? नैना पैराग्लाइडिंग करते हुए कूद गई और बच गई, और उसने हमें फोन करके बुलाया। लेकिन वो कैसे बच गई, उसे बचाया किसने, और उसने हमें जंगल में क्यों बुलाया? तो ये नैना अब खुद ही गायब है, किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी ढूंढ रहा है उसे। शायद उसके घर से कोई सुराग मिले। लगता है बहुत हड़बड़ी में भागी। पूरा घर अच्छे से चेक करो। सारा सामान लेकर फरार हो गई। इसका मतलब इस मर्डर में जरूर उसका कोई ना कोई हाथ है। हाँ सर, ये देखिए, इस ड्रॉअर में से ये नक्शा मिला है। ये तो उसी जंगल का नक्शा है जहां पेड़ पर खून मिला। और सर, ये नक्शा तो पैराग्लाइडिंग स्कूल का है। नक्शों पर निशान बनाया हुआ है, लेकिन ये नक्शे नैना के पास कैसे, और उसे इनकी क्या जरूरत पड़ गई? सर, अब तक हम 6 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पता कर चुके हैं जहां टायरीन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। देखते हैं यहाँ क्या पता चलता है। एक्सक्यूज मी, हमें मैनेजर से मिलना है। पूरे जी कहिए। एक मिनट प्लीज, आप बैठिए, मैं आता हूँ। नहीं मैनेजर, हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सीआईडी? जी। क्या आपके स्टाफ में ऐसी कोई लड़की है जो 5-6 दिनों से काम पे नहीं आ रही है? क्या बात, क्या है सर? एक्चुअली जंगल से हमें एक लड़की की लाश मिली है, और हमें ये पता चला है कि वो ऐसे किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया करती थी जहाँ पे टायरिन का इस्तेमाल होता है। आपके यहाँ होता है ना? जी सर। सर, पिछले हफ्ते हमारे कंपनी के लोगों की एक टीम पिकनिक के लिए गई थी पूना, तो वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? हाँ सर, उनमें से एक लेडी स्टाफ का वहाँ बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। नाम क्या था उनका? जूही। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे था? सर, हमें पता चला कि वो किसी पहाड़ की चोटी से गिर गई थी, और उस पहाड़ की ऊंचाई इतनी थी कि उसकी लाश आज तक नहीं मिली थी। अरे बापरे, ये तो बहुत बुरी बात है सर। लड़की ऊपर पहाड़ से गिरी और उसकी लाश भी नहीं मिली। अंकल, जिस लड़की की लाश हमें जंगल से मिली है, कहीं वो जूही तो नहीं? इस जूही का डिटेल्स ले लो और इनके घर वालों को फॉरेंसिक लैब बुलाओ डीएनए टेस्ट के लिए। पता चल जाएगा लाश किसकी है। रिपोर्ट्स क्या कहते हैं सर उनकी? बस, जूही के माँ बाप का डीएनए इस लड़की से मैच होता है। इसका मतलब बॉस, ये लाश जूही की ही है। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन खूनी तक पहुंचने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे। अगर आप लोगों की इजाजत है तो जी पूछिए सर। बताइए, जूही जब ट्रिप पर गई तो उसके बाद यह हादसा हुआ, तो उस बीच क्या आपका जूही के साथ कोई कांटेक्ट हुआ था, बात हुई थी? मेरा मतलब है कोई फोन वगैरह? हाँ, 1 जुलाई को जूही से मेरी बात हुई थी। मुझे बोले थे वो कल वापस आ रही है।
लेकिन 2 जुलाई को जब वो घर वापस नहीं आई तो मैंने उसको फोन किया, उसका फोन बंद था। फिर मैंने उसके बॉस को फोन किया, फिर उसके बॉस ने मुझे बताया कि अचानक जुई का एक्सीडेंट हो गया। सर हमने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, वो पहाड़ से गिरी थी, उस वक्त उसकी बॉडी मिली ही नहीं। अच्छा क्या जुई का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था, कोई दुश्मनी? क्या आपको किसी पर शक है? क्या उसने कुछ चाहे दिनों? हाँ, वो बदमाश जुई को अपने प्रेम के जाल में फंसाना चाहता था। नाम क्या उस आदमी का? हमें उसका नाम नहीं मालूम। क्या उस आदमी को आपने पहले कभी देखा है? नहीं, लेकिन इतना पता है कि जुई भी उसे प्यार करने लगी थी। सर, उसी ने मारा है मेरी बेटी को, उसी ने मारा है मेरी बेटी को। जुई के बॉयफ्रेंड से मिलना पड़ेगा, जुई के बॉयफ्रेंड से। तारिका, सही अंगूठी जूही की नहीं है। अंगूठी जूही की नहीं है? अगर तारिका ये अंगूठी हमें जूही के लाश के पास से ही तो मिली है, और फिर ये अंगूठी लड़कियों की तो है। सर मैंने ये अंगूठी उसके हर उंगली में पहना कर देखी, किसी भी उंगली में फिट नहीं बैठती। थोड़ी छोटी साइज की है ये। सर अगर यह अंगूठी जूही की नहीं है तो फिर किसकी है? हो सकता है फ्रेडी ये अंगूठी उस खूनी की ही हो। क्या ये अंगूठी जूही की है? सर, ये अंगूठी जूही के पर्स में थी। जूही बिल्कुल ऐसी ही अंगूठी बनाना चाहती थी। मैंने पूछा ये अंगूठी कहाँ से मिली, तो उसने मुझे बताया कि उसकी कोई सहेली की है। वो क्या नाम, नैना नाम है उसकी सहेली का। नैना? क्या आप जानती हैं इस नैना को? नहीं सर, 2-3 बार जूही के मुंह से नैना का नाम सुना था, लेकिन कभी उनसे मिली नहीं। शायद उसकी कोई सहेली थी। नैना, जूही और नैना एक दूसरे को जानती थी। पता लगाना पड़ेगा ये दोनों एक दूसरे को कब से जानते थे और कैसे जानते थे। और ये पैराग्लाइडिंग स्कूल बहुत उड़ लिया इन्होंने आसमान में, जमीन पर उतारो, अब उतारो इन्हें। इस फोटो को गौर से देखें, क्या इस लड़की को आप पहचानते हैं? जूही नाम है इसका, जूही। जानते हो इसे? ध्यान से देखो, शायद ये लड़की कभी तुम्हारे पैराग्लाइडिंग स्कूल में आई हो। नहीं सर, ये लड़की तो हमारे पैराग्लाइडिंग स्कूल में कभी नहीं आई। कभी नहीं आई थी? नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती, पूछताछ के लिए हम जब चाहे बुला लेंगे तुम्हें। निकलो। फिर से बात हुई? नहीं सर, मैंने उसको कई बार कॉल किया पर उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। आखिरी बार कब और कहां मिले थे तुम नैना से? सर आखिरी बार मैं उससे जंगल में मिला था, जहां से हमने आपको कॉल करके इन्फॉर्म किया था। सर कल नैना ने रात में मुझे फोन किया था। तो फिर ये बात पहले क्यों नहीं बताई? चुप क्यों रहे तुम? क्या बात हुई उसे? सर वो कह रही थी कि वो बहुत टेंशन में है,
और कुछ कहती इससे पहले ही फोन कट हो गया। मैंने भी उसे कई दफा फोन मिलाने की कोशिश की मगर उसका नंबर ही नहीं मिल रहा था सर। कितने बजे आया था फोन? शाम को 7 बजे। सर हो सकता है ये नैना किसी खतरे में हो और इसलिए उसने अपने दोस्त अनुज को फोन किया हो, पर किसी वजह से बात पूरी ना हो पाई हो। पता लगाना पड़ेगा दया, नैना ने कहां से फोन किया था अनुज को। सर नैना का लास्ट कॉल लोकेशन यही था। अगर नैना यहाँ पे है तो हमसे बच नहीं सकती। एक काम कर, चल जा। आगे की तरफ है सर, पश्चिम दिशा में। पश्चिम? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। ये बताओ कि वो अकेले है? नहीं सर, उसके साथ एक लड़का है। साथ में भी कोई है? एक काम करो, तुम नजर रखो, हम लोग पहुंचते हैं वहां पे। यस सर। सर नैना के साथ जो लड़का है ना, इसे मैंने पैराग्लाइडिंग स्कूल में देखा है सर। आज ये दोनों हमारे हाथ से बचने नहीं चाहिए, संभाल के। अभी तो इधर थे, कहाँ गए दोनों? इस तरफ भी दिखाई नहीं दी, जमीन खा गई, आसमान निकल गया है, क्या कर सकते हैं? उस लड़के के बारे में कुछ पता चला जो नैना के साथ भाग रहा था जंगल में? सर वो लड़का नैना के साथ पैराग्लाइडिंग स्कूल में था सर। पैराग्लाइडिंग स्कूल में था? अच्छा, और क्या पता चला? उसका नाम राघव है और वो भी तभी से गायब है। वो भी गायब है, इसका मतलब है वो नैना को मदद कर रहा है। गया जरूर उसका भी हाथ होगा इस खून में। हाँ सर, और शायद इसीलिए दोनों कानून से भाग रहे हैं। दया ये नैना जुई को मारेगी क्यों? पर अगर नैना ने जुई का खून किया भी है क्यों किया, क्या वजह हो सकती है? सर अगर हम ये केस एक बार फिर से देखते हैं तो करण और नैना ने पहले हमें जंगल से फोन करके बताया कि वहां उस पेड़ पे खून लगा हुआ था। पैराग्लाइडिंग के इंस्ट्रक्टर्स रोहन और सुमित के मुताबिक नैना ने खुद पैराग्लाइडर से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी मगर वो बच गई, और बाद में हमें वहां जंगल में नैना के बजाय जूही की लाश मिलती है। वही तो दया, ये नैना और जूही, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर नैना और जूही दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो कैसे? सर 4 साल पहले दोनों एक ही कॉलेज में थे और दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी। एक ही कॉलेज में पढ़ते थे? अगर सर दोनों इतने अच्छे दोस्त थे तो फिर नैना ने जूही का खून क्यों किया होगा? सर शायद इसकी वजह उन दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा। हाँ मगर कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं हो सकता, वरना कोई लड़की अपनी सहेली का इस तरह से खून क्यों करेगी? अपनी सहेली का खून क्यों करेगी? नैना और जूही इन दोनों के कॉलेज में जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करो। सर यही वो कॉलेज जहाँ पे नैना और जूही ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। 4 साल पुरानी बात है, कोई ना कोई तो पहचानता ही होगा। इनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग CID से। CID? इस कॉलेज में क्या बात क्या है? आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए, इन्हें पहचानते हैं आप लोग? हाँ याद आया, ये जूही है और ये नैना, ये दोनों उसी कॉलेज में साइंस के स्टूडेंट थे शायद 3-4 साल पहले। सर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, कॉलेज में हमेशा साथ रहते।
क्यों सर, कोई सीरियस बात तो नहीं? बात तो थोड़ी सीरियस है। एक्चुअली किसी ने जूही का खून कर दिया है। हमें उसकी लाश जंगल में मिली है। उसी की तहकीकात के सिलसिले में हम लोग यहाँ कॉलेज में आए। इनके बारे में कोई खास चीज, कोई खास बात जो आप लोगों को याद हो? हाँ सर, एक दिन मैंने इन दोनों को झगड़ते हुए देखा था सर। मेरी क्या गलती है नैना? गलती तुम्हारी है जूही, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और मुझे नहीं पता था कि तुम अनिल से प्यार करती हो, समझे? तो तुम्हें नहीं पता था? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अनिश को पसंद करती हूँ, तुम्हें नहीं पता था? और रियली, अच्छा लगना और किसी से प्यार करना दो अलग अलग बातें हैं, और वो मुझे भी अच्छा लगता है, और मेन बात तो ये है कि अनिश मुझसे प्यार करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। क्या ये तुमसे किसने कह दिया? अनिश ने खुद मुझे प्रपोज किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया जूही, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये अनिश इसी कॉलेज में पढ़ता था? वो तो नहीं पता सर। थैंक यू वेरी मच अनिश। दोनों लड़कियां इस अनिश से प्यार करती हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये अनिश इसी कॉलेज का है या फिर कहीं बाहर का है? कॉलेज के रिकॉर्ड रूम में देखते हैं, वहां से कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। अनिश की फाइल मिल गई। मिल गई? यस सर। गुड। अनिश 2010 को एडमिशन लिया और 2010 को कॉलेज छोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है सर? हाँ, 10 जून 2010 को एडमिशन लिया और 12 जून 2010 को कॉलेज से निकाल दिया गया। सर मतलब ये कॉलेज में सिर्फ 3 दिन था और इसीलिए कॉलेज में इसके बारे में किसी को पता नहीं। उसकी शक्ल देख के लगता नहीं है कि इसने नैना की किडनैपिंग और जूही का खून किया है। सचिन, जरूरी नहीं जो आदमी जैसा दिखता है वैसा हो भी। 4 साल पहले ये भोला भाला दिखता था, अब देखना है कि ये अभी कैसा दिखता है। दाढ़ी बनाओ। बनी थी। एसीपी साहब स्केच आर्टिस्ट को लेके बनवा क्या रहे? सर जरूर कोई खास बात होगी, तभी तो एसीपी सर ने स्केच आर्टिस्ट को बुलाया। सर, सर कॉलेज से मिले अनिश के एड्रेस पे जाके आया सर, तो पता चला अनिश वहां नहीं रहता सर। 3 साल पहले उसने उधर किसी और को भेज दिया। सर स्केच रेडी। थैंक यू सर। तो यही है वो शख्स? हाँ, अब समझ में आया कौन है खूनी। वक्त आ गया है इस खूनी के चेहरे से नकाब हटाने का। पैराग्लाइडिंग में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप लोग बैलेंस कर लोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे पैराग्लाइडिंग। और दूसरी बात, ये जो ब्रेक होता है तो ब्रेक कंट्रोल करता है पैराग्लाइडिंग। सर एक मिनट। सर आप फिर लोग यहाँ आए हो? क्या करें मिस्टर सुमित, आपने हमें आने पे मजबूर कर दिया है। सर मैं कुछ समझा नहीं। सर समझाते हैं, पहले ये बताओ कि झूठ क्यों बोला तुमने हमसे? कौन सा झूठ सर, मैंने कोई झूठ नहीं कहा, मैंने तो हमेशा आपकी मदद करने की कोशिश की है सर। मदद नहीं, आपने हमें गुमराह किया था। तुमने ये कहा था कि तुम जूही को नहीं जानते, बल्कि सच ये है कि तुम जूही को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कौन जी? मैं किसी जूही को नहीं जानता हूँ सर। बंद करो ये नाटक। सच तो ये है कि तुम्हारे स्कूल में जूही पैराग्लाइडिंग सीखने आई थी, और पैराग्लाइडर से जिस लड़की की मौत हुई थी वो जूही थी, नैना नहीं। क्या हुआ, बोलती बंद? अब तुम यहाँ से भागोगे?
हम तुम्हारे पीछे भागेंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे, देखना है? भागो भागो भागो। अरे मुंह क्या देख रहे, पकड़ो उसे। सर, मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मैं मानता कि मैंने आपसे झूठ बोला है, लेकिन ये मेरा प्लान नहीं है सर। मैं जानता हूँ, हम जानते हैं कि खूनी कौन है। क्या? हाँ, तो सिर्फ ये बता, वो खूनी छुप के कहाँ बैठा हुआ है? कहाँ बैठा छुप के? यहाँ छुप कर बैठा है हमारा खून। चलो अंदर घुस के देखते हैं। चलो पुलिस यहां देखते हैं। उसी तरह से तुम दोनों को, अब तुम्हारे गुरूर को मैं नीचे पटक के मारूंगा। सो मिस नैना, गुड बाय। घबराओ मत,
तुमने उतार दिया। तो बताओ रोहन उर्फ अनीश, क्यों किया तुमने ये सब? ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी जूही और नैना के साथ? 4 साल पहले इन लोगों ने मेरे साथ एक भद्दा मजाक किया था सर, मेरी रैगिंग की। पूरे कॉलेज के सामने इन लोगों ने मुझ पर ये झूठा आरोप लगाया था सर, मैंने इन दोनों को छेड़ा। इन लोगों के लिए तो वो सिर्फ एक मजाक था सर, रैगिंग, लेकिन की वजह से प्रिंसिपल साहब ने मुझे कॉलेज से निकाल दिया था सर, और किसी भी कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिली। मेरी जिंदगी, मेरा करियर सब बर्बाद हो गया। कॉलेज से निकलने के बाद मैंने इन दोनों से बदला लेने की ठान ली सर, पैराग्लाइडिंग सीखी, अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली, और 3 सालों बाद जब मैं इनसे मिला तो इन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, पर मैं इन लोगों को नहीं भूला। मैं जूही और नैना के करीब आ गया। मैं जूही को मारकर उसके खून का इल्जाम नैना पर डालना चाहता था। जूही के एक्सीडेंट का नाटक क्यों किया तुमने? ये जूही का ही आइडिया था सर। दरअसल वो सचमुच मुझसे प्यार करने लगी, इसे ये मालूम था कि उसके घर वाले इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगे, इसीलिए सर उसने पुणे की खाई में गिरकर अपने मरने का झूठा नाटक किया ताकि उसके घर वालों को लगे कि वो मर चुकी। और इसलिए तुमने पैराग्लाइडिंग करते समय जूही को ऊपर से गिरा के सच में मार डाला, और फिर जूही की लाश के पास तुमने नैना की अंगूठी डाल दी ताकि जूही के खून का इल्जाम नैना पर आ जाए, है ना? हाँ सर, और इस काम में करण ने मेरी सहायता करी सर। नैना, अगर तुम बेकसूर थी तो हमसे भाग क्यों रही थी? क्योंकि मैं रोहन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना चाहती थी। मैं जानती थी कि अगर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाऊंगी, और इस काम में राघव ने मेरी मदद की। लेकिन इससे पहले हम दोनों कुछ कर पाते, इसने हम दोनों को पकड़ लिया। बड़ा टेढ़ा दिमाग चलाया तुमने, पहले जूही को पैराग्लाइडर से नीचे फेंक कर मार दिया, और इस नैना को पेड़ से लटका कर मारना चाहते थे, हाँ? अब तो लटकोगे तुम, क्योंकि अदालत तुम्हें फांसी की सजा ही देगी, फांसी की सजा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।